हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। ये वीडियो में गैटबी एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करने के लिए बना रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पिछले कुछ दिनों में मेरे से कांटेक्ट किया ऑन यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट किया और मेल के थ्रू भी कांटेक्ट किया और मुझसे यही सवाल पूछे कि गैटबी एग्जामिनेशन में आगे क्या होगा। बहुत सारी क्वेरीज हैं, उन सारी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपके दिमाग में भी इस तरीके की कोई क्वेरीज हैं गैटबी एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसको देखने के बाद आपके कन्फ्यूजन्स खत्म हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है गैटबी एग्जामिनेशन का रिजल्ट। देखिए, कहीं पर भी गैटबी की जो वेबसाइट है और इसके अलावा एनटीए की वेबसाइट के ऊपर भी कहीं भी रिज़ल्ट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। बट एक स्पेक्यूलेशन की जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो गैटबी की एग्जामिनेशन के थ्रू अपना जो सीट्स है वो फिल करते हैं। तो अगर उनको देखा जाए तो थोड़ा सा एक स्पेक्यूलेट किया जा सकता है कि लगभग 10th जून तक आप अपना रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक, इस डेट तक आप अपना रिजल्ट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लगभग इस डेट के आसपास, 10th जून के आसपास। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जो एडमिशन इसके थ्रू लेते हैं, उनकी वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 10th जून। तो इसलिए मैं इस चीज़ को स्पेक्यूलेट कर सकता हूँ। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है कि एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा, यानी कि गैटबी का रिज़ल्ट जब आ जाता है तो उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, वो जानना चाह रहे थे। तो देखिए, अभी मान लीजिए कि 10 जून को आपका रिज़ल्ट आ जाता है, तो जो गैटबी, ये जो एनटीए है, वो आपके एक लिस्ट बना करके दे देगा और उस लिस्ट में स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई किए होंगे उनका नाम होगा और उनके मार्क्स होंगे। इसके साथ साथ वो जो आपका कट ऑफ मार्क्स है वो भी बता देगा। ठीक, तो क्या क्या बताएगा, जो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने क्वालिफाई किया है उनके बारे में, उनका नाम बता देगा, उनके कितने मार्क्स आए हैं वो बता देगा, और साथ साथ में जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं हर कैटेगरी के, जनरल के, एससी, एसटी, पीएच, इन सब के क्वालिफाइंग मार्क्स या कट ऑफ मार्क्स बता देगा। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कुछ समय बाद, इसके जब रिज़ल्ट निकल आएगा उसके 2-4 दिन बाद से ही आप देखोगे कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ या जितने भी इंस्टीट्यूट्स गैटबी के थ्रू अपनी सीट्स को फिल करते हैं वो सारे अलग करके अपने एडमिशन्स को ओपन कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनके जो सीट्स फुल होने वाली हैं वो गैटबी के ही मार्क्स के ऊपर फिल होने वाली हैं। तो ये है प्रोसेस ऑफ एडमिशन। मतलब क्या करना है, पहले आप अपना वो देख लीजिए, अपना मार्क्स देख लीजिए, अगर आप जो कट ऑफ मार्क्स है उससे ऊपर आया हुआ है आपका तो आप क्वालिफाइड हैं। बस उसके बाद क्या करना है, आपको वेट करना है कि आप जिस यूनिवर्सिटीज़ में चाहते हैं, जिस इंस्टीट्यूट में चाहते हैं, उसका पोर्टल कब ओपन हो रहा है, उस चीज़ को देखना है। अब हाउ टू ऑप्ट फॉर यूनिवर्सिटीज़। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कि हम गैटबी क्वालिफाई कर गए हैं तो अब हम किसी भी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता। सेम जैसे गेट बीटी का एग्ज़ाम है वैसे ही ये भी है। गेट बीटी में भी अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपको काउंसलिंग या इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में, आईआईटीज़ में। हालांकि यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू एज सच बहुत हाई फाई नहीं होता है और बहुत सारी संस्थान या बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स इंटरव्यू नहीं भी लेते हैं, कुछ एक लेते भी हैं, जैसे कि IIIT दिल्ली वगैरह। अगर आप MTech बायो इन्फॉर्मेटिक्स करने वाले हैं तो IIIT दिल्ली जो है वो इंटरव्यू लेता है। कुछ एक और इंस्टीट्यूट्स भी इंटरव्यू लेते हैं आफ्टर गैटबी एग्जामिनेशन। ठीक, तो अब ये बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि अगर आपने गैटबी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है तो आपको बढ़िया इंस्टीट्यूट मिल ही जाएगा। डिपेंड करेगा कि आपका जो मार्क्स है वो कट ऑफ नंबर से कितना ऊपर है। अब सपोज़ करिए, जैसे मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोज़ में बताया था जो मैंने गैटबी के ऊपर बनाए थे, उन वीडियो में मैंने बताया था कि जो अब की बार का जो गैटबी का पेपर है उसमें पार्ट ए काफ़ी इजी आ गया है, जिसके कारण से हम ये कह सकते हैं कि पेपर का कट ऑफ थोड़ा ऊपर जाना चाहिए, मेरे हिसाब से ऐसा है। तो वो समझ में आ जाएगा कुछ दिन बाद। अब अगर सपोज़ करिए मैं कह रहा हूँ कि जो कट ऑफ मार्क्स है वो 125 है, अब अगर आप 126 मार्क्स लेकर के आ रहे हैं जनरल कैटेगरी के अंदर, तो आपका किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने की संभावना बहुत कम हो जाती है। जाहिर सी बात है कि जितने मार्क्स आपके ऊपर हैं कट ऑफ से, उतना बेहतर संभावनाएं हैं कि आपको बढ़िया कॉलेज मिल सकता है। तो ये बात जान लीजिए कि यूनिवर्सिटीज़, आप अब अगर आप चाहते हैं कि JNU में एडमिशन लेना
और कट ऑफ 125 मार्क्स गया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इससे 50-60 नंबर अगर ऊपर होगा आपका, तभी आप सोच सकते हैं कि JNU या BHU में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आपका बहुत अच्छा कट ऑफ से ऊपर नंबर नहीं है तो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मिलने की संभावनाएँ बहुत कम हो जाती हैं। तो ये बात हो गई हाउ टू ऑप्ट फॉर यूनिवर्सिटीज़ डिपेंडिंग अपॉन योर स्कोर एंड हाउ मच अबव दिस स्कोर इज़ फ्रॉम द कट ऑफ मार्क्स, उसके बेसिस पे आप यूनिवर्सिटीज़ को ऑप्ट कर सकते हैं। वॉट वुड बी अ गुड स्कोर? अब आपको इंटरनेट पे जाने के बाद अगर आप सर्च करोगे प्रीवियस ईयर कट ऑफ फॉर गैटबी तो आपको बहुत सारे रिजल्ट मिल जाएंगे और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के कट ऑफ मार्क्स आपको पिछले साल या उसके पिछले साल के मिल जाएंगे। अब डिपेंडिंग अपॉन दैट कट ऑफ मार्क्स, सपोज करिए मैं JNU में जाना चाहता हूँ। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि JNU में कट ऑफ मार्क्स 180 गया था। अब अगर मान लीजिए कि मेरे 150 मार्क्स आ रहे हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि मेरे लिए सेलेक्शन JNU में जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, स्कोर अपना कैसे कंपेयर कर सकते हैं, पुराने उसमें जाकर के, पुराने इंटरनेट में जाकर के आप सर्च कर लीजिए और सर्च करने के बाद प्रीवियस जो कट ऑफ्स हैं उनसे कंपेयर कर लीजिए आपका अपना स्कोर। आपको समझ में आ जाएगा कि आपका स्कोर बढ़िया है कि नहीं एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के लिए। हो सकता है आपका स्कोर किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के लिए, किसी लोअर रैंकिंग इंस्टीट्यूट के लिए आपका स्कोर अच्छा होगा। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या होता है, मान लीजिए आपने फॉर्म फिल कर दिया, आप चाहते थे JNU या मैं एग्जांपल दे सकता हूँ IIIT दिल्ली में आप MTech करना चाहते थे, आपने फॉर्म भर दिया। अब अगर उन्होंने आपके मार्क्स के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया तो उसके बाद आपके पास ईमेल आ जाएगा कि हाँ आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, और शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको वो काउंसलिंग या फिर एडमिशन के लिए बुला लेंगे। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि ICT मुंबई है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई में बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग का कोर्स होता है MTech बायोप्रोसेस, वहाँ पे काउंसलिंग नहीं, वहाँ पे काउंसलिंग ही होती है, कोई इस तरीके का जो इंटरव्यू होता है वो नहीं होता, IIIT दिल्ली में इंटरव्यू होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़ा बहुत पढ़ते रहिएगा ताकि अगर जिस इंस्टीट्यूट में आप जाना चाहते हैं वो इंटरव्यू भी लेता है तो आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो सकें। ठीक, तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई आपकी गैटबी 2023 की। अब एक इन्फॉर्मेशन और एक अपडेट आपको और देनी है कि हम गेट BT का नया कोर्स लेकर के आ रहे हैं 2024 के लिए। न्यू कोर्स है ये गेट BT के लिए, गेट BT 2024 के लिए हम एक नया बैच लेकर के आ रहे हैं। अगर आप गेट BT एस्पायरेंट हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें लेकर के आ रहे हैं। सबसे जो इम्पॉर्टेंट और USP है इस कोर्स का वो है कि यहाँ पे हम दो बार रिवीजन कराने वाले हैं, 2 times रिवीजन कराने वाले हैं। इसके अलावा दूसरी बात ये है कि आपको यहाँ पे PDF नोट्स जो भी लेक्चर्स के होंगे वो लाइफ लॉन्ग अवेलेबल हो जाएंगे। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि PDF जो है वो रिमूव हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। PDF नोट्स आपके लिए लाइफ लॉन्ग होंगे, रिकॉर्डिंग्स आपके लिए गेट के एग्जामिनेशन तक अवेलेबल रहेंगी। ठीक, दूसरा एक और सबसे ख़ास बात है कि आपको बाकी एग्ज़ाम्स के लिए साथ ही साथ गाइडेंस मिलती रहेगी, कौन कौन से एग्ज़ाम्स आप और भर सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस उन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, उन एग्ज़ाम्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ पूरा फुल पैकेज है इस जो कोर्स होने वाला है गेट BT से शुरू। अब कब से शुरू होने वाला है, 12 June से शुरू होने वाला है। ठीक, 12 June से शुरू होने वाला है। इसकी टाइमिंग क्या होगी, देखिए इसकी टाइमिंग बहुत सोच समझ करके रखी गई है, 6 PM टू 7:30 PM, मतलब रोज 1.5 घंटे का क्लास होगा और ये मंडे टू सैटरडे चलेगा 1.5 घंटे का क्लास, संडे को आपके टेस्ट होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट फोर्थ पॉइंट क्या है, ये डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपसे शेयर की जाएंगी, हर रोज 10 से 15 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए जाएंगे जो भी टॉपिक पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड। अब आपको वो क्वेश्चंस करने हैं और ग्रुप पे शेयर कर देना है आंसर्स, उसके बाद टैली करना है। जब मैं आंसर्स पोस्ट कर दूंगा सही आंसर्स तो आप उससे टैली करके अपने क्वेश्चंस को वापस एनालाइज कर सकते हैं। तो ये डेली DPP होंगे, 10 से 15 क्वेश्चंस आपको डेली मिलेंगे। टेस्ट जो है वो टेस्ट सीरीज यहाँ पे फ्री है, यानी कि हर संडे को आपको टेस्ट देने होंगे ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस की एनालिसिस कर सकें। तो टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होने वाली है। इसके अलावा डाउट क्लियरिंग सेशंस अनलिमिटेड हैं, जितनी बार चाहे आप उतनी बार डाउट पूछ सकते हैं। अब फीस के बारे में बात कर लेते हैं, फीस भी बहुत ही अफोर्डेबल है। आप क्योंकि आप देख सकते हो 12 June से सेशन शुरू हो रहा है तो ये
फेब फर्स्ट वीक तक चलता रहेगा, लेकिन मेरा ऐसा प्लान है कि मैं दिसंबर तक कोर्स बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा और उसके बाद 2 महीने का जो टाइम है हम उसमें कंप्लीट रिवीजन प्लान करेंगे। अब ये पूरा लगभग 9 महीने का टाइम है और इस 9 महीने में सिर्फ और सिर्फ आपको 18,000 रुपीज़ टोटल पे करने हैं। और एक और अच्छी चीज़ है कि आप मंथली इंस्टॉलमेंट्स में भी इसको पे कर सकते हैं। 6 मंथ्स के इंस्टॉलमेंट्स में आप इसको पे कर सकते हैं 3,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से। तो ये सारी की सारी एडवांटेजेस और इसके अलावा बहुत सारी एडवांटेजेस आपको ये कोर्स ज्वाइन करने के बाद अवेलेबल हो सकती है। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है, मेरा ये सजेशन है, अगर आप गेट बीटी के एस्पायरेंट हैं तो ज़रूर इस कोर्स को ज्वाइन करिएगा। अगर आप गैट बी से रिलेटेड क्वेश्चंस जानना चाहते थे तो उसके लिए भी मैंने ये सारे के सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 8299134528। इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।